लिया, डिवोर्स कानूनी डिवोर्स लिया उन्होंने, तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। और ये सबका पर्सनल लाइफ है, इतना नवाब मलिक साहब ने किसके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। ड्रग किधर, पर्सनल लाइफ का किधर, मैं किधर, नवाब मलिक किधर, ये बहुत गलत बात है। और इसके अगेंस्ट में मैं शायद कोर्ट में भी जा सकता हूँ। वानखेड़े साहब, दो तीन सवाल स्पेसिफिक आपके उस निकाहनामे में आपका नाम दाऊद करके लिखा गया, उस बारे में बताइए। ये भी अभी बहुत लोग ऐसे पे, जब मेरी मिसेस मुस्लिम थी, कोई प्यार से मुझे दाऊद बुलाता होगा, दाऊद बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, दाऊद भाई कैसे हो, ऐसा कभी बोला होगा। शायद मेरी मिसेस भी बोली होंगी प्यार से कभी, किसको अपन घर में मुन्ना, कुछ भी ऐसा नाम रख सकते हैं, मुनावर, अन्ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा एक किस्म का ये बोला होगा किसने। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका ये जो आपने दिखाया मैरिज जिसे रजिस्टर हुआ है जी, उसमें समीर डी वानखेड़े लिखा गया है। हाँ। आपका पूरा नाम नहीं है, जबकि दाऊद का भी डी आता है और आपका जो नाम है वो भी डी आता है, तो आपने पूरा नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो मेरा अभी वो तो मैंने नहीं लिखा, वो तो कलेक्टर साहब ने, मैंने थोड़ी लिखा है वो, और मेरा गवर्नमेंट का इसमें डी है, मैं जब रिटायर हुआ उसमें डी के वानखेड़े लिखा है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ। तो इधर मेरा जो डिपार्टमेंट में लगा हूँ 2000, उसमें उसमें आप ये मेरा सर्विस बुक है, ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े जी, आप क्लियर देख सकते हैं। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगा हूँ तो कोई इंक्वायरी करके लगा होगा, ये मेरा असली नाम है। सर एक और मसला है कि जब वहाँ पे क्या आप लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया था शादी के दौरान? सर जब शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था, तो क्या उस दौरान आपने अपने आप को मुसलमान बताया था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब शादी हो रहे थे, जब निकाह, दो जाति जब अलग अलग जाति होती जी, तो निकाह नहीं हो जाता है। इस्लामिक के कुछ